चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाँ हाँ जी, आपका प्रत्याशी किस तरीके का हो और आप किसको पसंद करेंगे? भाई पसंद हम तो उनको करेंगे जो हमारा विकास कराए, बढ़िया काम कराए। हाँ। और ये देखो ये कितना जो जो अभी अन्याय भी हुआ है इनके साथ, कुछों को टिकट कट गई, जो प्रत्याशियों के साथ जो शुरू से जो मैदान में थे और अपनी कोशिश कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, उनको उनका टिकट काट दिया। तो आपकी सीधी सीधी सहानुभूति मिलेगी उनको? बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल। और कुछ कहना है? भाई और तो ये गहलोत सरकार ने एक काम, ये औरतों के बारे में बहुत गलत काम किया। जो हरियाणा की औरतें हैं, हम बॉर्डर के ऊपर हैं, आपस में रिश्ते हैं हमारे, वो चुनाव नहीं लड़ सकती राजस्थान में, ये कह रहे कौन सा निर्णय किया है? ये गहलोत सरकार ने किया, पहले नहीं, पहले नहीं था, होती थी क्या? नहीं पहले नहीं था, पहले नहीं था, पर कोई औरत कहीं से लड़ सकती थी, परंतु अब के बार में नए पंचायत राज में ये हरियाणा की औरत यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, वो वोट गिरने के अधिकार नहीं होना चाहिए उनको, वोटर लिस्ट में नाम क्यों है जब इतना इतना काम है, तो वो लड़ नहीं सकती। तो जिला परिषद का चुनाव का बिगुल बज चुका है, आने वाली 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका प्रत्याशी कौन होगा, किस तरीके का होगा? खबरी खबरी कौन देंगे वो? भाई वेद प्रकाश खबरी। ऐसा क्या कारण है जो आपको खबरी को पसंद कर रहे हैं, आप उनको वोट दे रहे हैं? वो हमारे इलाके में आते जाते रहते हैं, देख रेख करते हैं, सभी सपोर्ट करते हैं। अब फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गिलोट चौक पर, और यहां के ग्रामीणों का क्या कहना है, जिला परिषद के चुनाव में यहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द हो चुका है, और इन लोगों का क्या कहना है, अगर वो निर्दलीयों को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस प्रत्याशी को, इस बारे में इनसे करेंगे बात। क्या कहना है आपका, यानी कि जिला कहना यह है साहब, हम तो बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी को ही वोट दिए हैं अब तक, अब देखेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है तो इस स्थिति अब में सोच, पिन को वोट देंगे, अब सोचेंगे किसको वोट देंगे, थोड़ा टाइम दो हमारे को सोचने का। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आप, किसको? प्रत्याशी तो यही है भाई, खबरी को मिल जाती है बहुत बढ़िया, खबरी की तरफ ही है हम। अब हमारे पास दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में हम पूछेंगे, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप, जिला परिषद का जो कैंडिडेट है किन को आप सपोर्ट करेंगे? देखो हम तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। अब जिस प्रत्याशी नहीं है इस स्थिति में आप किसको वोट? अब प्रत्याशी नहीं है तो अब हम पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट की सपोर्ट करेगी उसको वोट देंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम ताराचंद जी। कहाँ से हैं आप? मैं गिलोट गांव से हूँ। गिलोट गांव से, तो बिगुल बज चुका है चुनाव का। जी हाँ। और यहाँ से केवल प्रत्याशी बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका नामांकन रद्द हो चुका है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो मैदान में है और एक निर्दलीय है, तो आप किन को सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, आप हम तो बीजेपी के आदमी हैं और अभी हमें बीजेपी का जो मतलब जो हमारा जो कैंडिडेट था यहाँ पे जिसको खबरी नाम से, अच्छा शुद्ध छवि का लड़का है और उसकी अच्छी इमेज है, अभी बीजेपी का वो नमक रद्द होगा तो आप हम जो ना उसको खबरी को वोट देंगे। और खबरी के प्रति आप किस तरह की सहानुभूति रहेंगे? आप बहुत बढ़िया सहानुभूति और लोगों को भी कहेंगे, जो हम जो हमारे बैठने वाला आदमी उनको वोट देंगे। और अभी फिलहाल सर्वे मैंने भी गाँव में सर्वे किया था कि अभी हमारे गिरोट गाँव में इन ढाणियों में और भी हम जाते हैं, हमारी जहाँ जहाँ बैठे हो तो वहाँ पर उसमें खबरी का अच्छा माहौल है सर। Very good, very good.